स्टूडेंट, कोविड के थर्ड वेव के कारण एक बार फिर से स्कूल कोचिंग संस्थान बंद है, जिसके कारण ऑनलाइन मोड में हम लोग फिर से पढ़ाई करने के लिए विवश हैं। तो जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे कि कुछ प्रश्न रहते हैं वो पढ़ना बाकी था। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो परीक्षोपयोगी जो प्रश्न हैं, उसको हम लोग कैसे सोल्व करें, उसके लिए हम लोग आज देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यानी ये डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो मेनली हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। और हम लोग आज जानेंगे कि सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या बेसिक अंतर है। सिंपल साल्ट को हिंदी में हम लोग सामान्य लवण कहते हैं, डबल साल्ट को द्विक लवण कहते हैं। ये हो गया सामान्य लवण। सामान्य लवण इसको कहते हैं द्विक लवण, द्विक लवण, और इसको कहते हैं जटिल लवण, जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में, कि द्विक लवण और जटिल जो लवण है और उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। और सिंपल साल्ट तो हम लोग जानते ही हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या वीक एसिड वीक बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनके कॉम्बिनेशन से जो सिंपल साल्ट बनते हैं। लेकिन डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट की जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। और ये भी जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स साल्ट आखिर बनता कैसे है, और कॉम्प्लेक्स साल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमरिज्म कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिकली इस चैप्टर में। तो हम लोग सिंपल साल्ट के बारे में जानते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट पर सिंपल साल्ट में आप लोग देखे होंगे जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, या CHCl हो गया, या MgCl2, ये सब जो है सामान्य लवण में। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें डबल साल्ट, डबल साल्ट, ये डबल साल्ट किसको कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विक लवण, द्विक लवण, यानी कि एक ऐसा लवण जो सॉलिड ठोस अवस्था में स्टेबल होता है, स्थायी होता है, लेकिन जैसे ही इसको जल में डाला जाए तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे ही साल्ट जो कहलाते हैं उनको कहते हैं हम लोग द्विक लवण। देखने में तो एक कॉम्प्लेक्स साल्ट के जैसा ही लगते हैं, लेकिन अंतर है कॉम्प्लेक्स साल्ट से, और कॉम्प्लेक्स साल्ट से कैसे अंतर है बताएंगे हम। लेकिन डबल साल्ट का मतलब इतना हम लोग जान जाए कि साल्ट ऐसा जो सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में स्टेबल होता है, लेकिन जब इसको जल में डाला जाता है तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। जैसे हम लोग कुछ डबल साल्ट के उदाहरण देखते हैं, जैसे पोटास इलम, जैसे पोटास इलम, जैसे हम लोग देखेंगे यहां पर पोटास एलम,
इसको फिटकिरी भी कहते हैं हम लोग, फिटकिरी उटास इलम फिटकिरी। इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 into Al2SO4 होल थ्रैश इंटू 24H2O। तो K2SO4 Al2SO4 into 24H2O। तो ये जो इसका रासायनिक सूत्र है, अगर आप इसको जल में डालेंगे इन एक्वस सोल्यूशन, यानी जिसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा, जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो ये अपनी कंपोनेंट आयन में पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे यहां पर पोटेशियम, यहां पर एल्युमिनियम, आपके एल्युमिनियम का आयन मिलेगा प्लस जल में और मिलेगा आपका, ये सब एक्वस एल्युमिनियम एक्वस। इसके बाद सल्फेट आयन SO42-, तो 4SO42- और प्लस 24H2। तो यहां पर पोटेशियम एल्युमिनियम और सल्फेट अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग डबल साल्ट द्विक लवण हम लोग कहते हैं। इसी तरह से कुछ और उदाहरण है डबल साल्ट के, जैसे कार्नलाइट। तो कार्नलाइट भी डबल साल्ट का ही उदाहरण है। इसका अगर रासायनिक सूत्र होता है KCl MgCl2 into 6H2O, KCl into MgCl2 into 6H2O, इसको कार्नलाइट कहते हैं। और अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए, यानी कि जल में हम डालें, तो ये अपने अवयवी कण में टूट जाता है। जैसे K+ + Mg+2 + 3Cl - + 6H2, तो ये सब हाइड्रेट हो जाते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जल में मिलाया हुआ, जल में डाला हुआ। तो कार्नलाइट भी डबल साल्ट है, जैसे फिटकिरी पोटास इलम कार्नलाइट। इसके अतिरिक्त मोहर साल्ट भी कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है। तो मोहर साल्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स साल्ट है, क्योंकि जल में डालने के बाद ये भी अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। तो मोहर साल्ट Fe SO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये हो गया मोहर साल्ट। मोहर साल्ट तो मोहर साल्ट भी द्विक लवण का ही उदाहरण है, और इसको अगर हम